और साउथ की एक एक्ट्रेस प्रिया मणि आजकल काफी काम कर रही हैं और रिसेंटली उन्हें मनोज बाजपेयी की वेब सीरीज द फैमिली मैन में मुख्य भूमिका में देखा गया। इस वेब सीरीज में वो मनोज बाजपेयी की पत्नी सुची का किरदार निभा रही हैं। प्रिया मणि के इस किरदार को वेब सीरीज में काफी पसंद किया गया है। इससे पहले प्रिया मणि ने फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान के साथ भी काम किया है। चेन्नई एक्सप्रेस में वो शाहरुख के साथ डांस परफॉर्मेंस भी दे चुकी हैं। प्रिया मणि और शाहरुख खान ने फिल्म के गाने 1, 2, 3, 4 में एक साथ डांस किया था। दर्शकों को ये गाना काफी पसंद आया था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान प्रिया मणि ने शाहरुख खान को लेकर एक खास बात कही थी। उन्होंने बताया था कि फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के इस गाने की शूटिंग के दौरान शाहरुख खान के साथ काम करने का उनका अनुभव कैसा था। उन्होंने बताया कि शाहरुख खान ने इस गाने की शूटिंग के दौरान उन्हें 300 रुपए दिए थे, जो आज भी उनके पास है। उन्होंने कहा कि हम इस गाने की शूटिंग कर रहे थे, इस गाने को पूरा करने में 5 दिन का समय लगा था। शाहरुख के साथ काम करने का उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। वो सुपरस्टार हैं, मगर उन्होंने कभी भी सफलता को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दिया। प्रिया मणि ने बताया कि पहले दिन की शूटिंग खत्म होने तक शाहरुख खान ने उन्हें बहुत अच्छा महसूस करवाया। शाहरुख ने उनका काफी ख्याल रखा और वो अक्सर शूट के दौरान आईपैड पर कौन बनेगा करोड़पति खेला करते थे और इसी खेल को खेलते हुए उन्हें 300 रुपए शाहरुख खान ने दिए थे, जिसे उन्होंने आज तक संभाल कर रखा है। बॉलीवुड 1 मिनट की रिपोर्ट।